जस्ट इमेजिन, अभी आपने एक बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, अच्छा एक्सपीरियंस भी है और एक पेपर बनाने वाली कंपनी में आप सीईओ की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आपको हायर तो कर लिया जाता है लेकिन वहाँ पर सब आपसे खुश नहीं है। सबको लगता है कि आप सीईओ की जॉब के लिए रेडी नहीं थे। आप लोगों की ये ताने सुन ही रहे थे कि आपको ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि जिस पेपर बनाने वाली कंपनी में आपने ज्वाइन किया है उसका मेन बिजनेस ही लॉस में है और ये कंपनी जो बाकी छोटे बिजनेस कर रही है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रही है। अब आपके लिए सवाल ये है कि इस मूवमेंट में आप क्या करोगे। एग्जैक्टली सेम चीज डार्विन स्मिथ के साथ हुई जब उन्होंने किम्बर्ली क्लार्क कंपनी ज्वाइन की। ये एक पेपर बनाने वाली कंपनी थी जिसमें पेपर का बिजनेस ही लॉस में था और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अब ये पूरे बिजनेस का क्या करें। फिर उन्होंने डिसीजन लेने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार यूज किया, बोर्डम, और इसे कहा ट्रैक्टर टाइम। वो अपनी प्रॉपर्टी की एक तरफ जाते, पत्थरों को ट्रैक्टर में भरते और उन पत्थरों को प्रॉपर्टी की दूसरी तरफ फेंक देते। और ये चीज करते करते उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता था कि वो इस लॉस मेकिंग पेपर मिल का क्या करें जो 100 साल से चला आ रहा था। ये सोचते सोचते वो फिर से पत्थरों को ट्रैक्टर में भरते और एक जगह से दूसरी जगह में फेंक देते। जो पड़ोसी इन्हें इस वक्त पर देख रहे थे वो इन पर बहुत हंसते थे कि स्मिथ को ये हो क्या गया है, ये सीईओ होके इतना यूजलेस काम कर क्यों रहा है। लेकिन ट्रैक्टर में बैठे बैठे स्मिथ के मन में एक बात आई कि अगर तुम्हें बाजू में कैंसर हो जाए तो तुम अपनी बाजू काटने से बिल्कुल भी नहीं डरोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी पूरी बॉडी कैंसर से भर जाएगी। स्मिथ के मन में जो सवाल आया था ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि रिसेंटली उन्हें थ्रॉट कैंसर हुआ था जिससे वो बच गए थे। उन्होंने डिसीजन ले लिया वो इस 100 साल से चल रही पेपर मिल के मेन बिजनेस को बंद कर देंगे। सब बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया लेकिन उन्होंने सबके खिलाफ जाकर इस डिसीजन को ले लिया और मेन बिजनेस को ही बंद कर दिया। इस डिसीजन से किम्बर्ली क्लार्क कंपनी ने बाकी बिजनेसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये बिजनेस एक ग्लोबल लीडर बन गया। अब ये सिर्फ स्मिथ की कहानी नहीं है, बहुत से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स और इनोवेटर्स ने हमेशा बोर्डम का सहारा लिया है जिसकी वजह से वो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस ले पाए। फॉर एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम जब इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम में काम कर रहे थे तो कई बार वो घंटों तक अकेले रहते और अपने काम के बारे में सोचते। सेम चीज बिल गेट्स करते हैं, वो हर साल 2 बार एक एक हफ्ते के लिए थिंक वीक करते हैं जहां वो सबसे दूर अकेले सॉलिट्यूड में जाके सोचते हैं। निकोला टेस्ला यही काम घंटों तक अकेले घूम के करते थे। इवन आइजैक न्यूटन ने पेंडेमिक के टाइम भी अपने लॉज ऑफ मोशन ऐसे ही दिए। पर अब मेन सवाल आता है कि बोर्डम होता कैसे है और ये काम कैसे करता है। अब बोर्डम समझने से पहले हमें अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन 2 तरीके से काम करता है। इसे कहते हैं आउटसाइड ब्रेन और इनसाइड ब्रेन। आउटसाइड ब्रेन का मतलब है कि कभी कोई भी काम करने के लिए अपने दिमाग से बाहर वाली चीजों पर फोकस करना। जैसे कि इमेजिन करो आप लेगोस की एक बिल्डिंग बना रहे हो। हमारे ब्रेन का ये हिस्सा हमें हेल्प करेगा कि किस तरीके से कौन कौन से पीसेस हम उठाएं ताकि उसे जोड़कर हम लेगो की एक सबसे बड़ी बिल्डिंग बना पाए। अब ये पार्ट तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमारे ब्रेन का दूसरा पार्ट है और इसका नाम है इनसाइड ब्रेन, जिसे हम डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं। ये हिस्सा तब काम करता है जब हम बाहर की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे होते, शायद सिर्फ बेड में लेटे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं या फिर सोने से पहले कुछ सोच रहे हैं। इस टाइम पर वो जादू होता है जब हम हमारे ब्रेन के अंदर वाली इन्फॉर्मेशन के बीच में पैटर्न्स देख सकते हैं और नए नए कंक्लूजन्स में आ सकते हैं। इन शॉर्ट सॉलिट्यूड इज इक्वल टू ब्रेन माइनस इनपुट्स। मतलब हम अपने ब्रेन की सुपर पावर को तभी अनलॉक कर पाएंगे जब हम भारी इनपुट्स को बंद कर दे। तो अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो सॉलिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम हिमालयस में बैठ जाएं और साथ में इंस्टाग्राम चलाने लग जाएं। हो सकता है हम एक कॉफी शॉप में बैठे हैं और साथ में बहुत टेबल्स में और लोग भी बैठे हैं, लेकिन हम पेन और पेपर लेके अपने ब्रेन की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। इन शॉर्ट इस मोड में आने के लिए हमें अपने इनपुट्स को बंद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि बोर्डम के फायदे क्या है। 1944 का वक्त था। जनरल आइजनहावर दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में से एक डीडे की तैयारी कर रहे थे। नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस को आजाद करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन एक गलत डिसीजन से ना सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड वॉर का अंजाम बल्कि लाखों सोल्जर की जिंदगी दांव पर थी। आइजनहावर के आसपास बहुत से लोग थे, मिलिट्री एडवाइजर, पॉलिटिशियन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की भरमार थी। आइजनहावर को सब अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और उन सब की एक्सपेक्टेशन भी आइजनहावर पर ही थी। जर्मन्स ने अपने डिफेंस को बंकर, आर्टिलरी और माइन से इतना मजबूत बना लिया था कि उन पर अटैक करना ही एक बहुत खतरनाक डिसीजन लग रहा था। और फिर आया जून 1944। मौसम बहुत खराब था, सी काफी रफ थे, जिसकी वजह से जो लैंडिंग क्राफ्ट थे जिसमें सोल्जर्स ने जाना था वो डूब सकते थे। आइजनहावर के सामने ये डिसीजन था, क्या वो इस अटैक को डिले करे या खराब मौसम के बावजूद रिस्क ले ले। अगर डिले होता है तो फौजियों का मोराल टूट सकता था और अगर डिले की वजह से जर्मन को ये बात पता चल गई कि वो उन पर अटैक कर रहे हैं तो वो पक्का ये बैटल कभी जीत ही नहीं सकते थे। इस
वक्त आइजनहावर के पास सबसे बड़ा प्रेशर था। प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सब इस इन्वेशन को देख रहे थे। इस वक्त पर आइजनहावर ने एक बड़ा डिसीजन लिया। वो वॉर रूम से बाहर चले गए और उन्होंने एक ब्रेक ले लिया। आसमान के नीचे शांत जगह पर उन्होंने लंबे वॉक्स लिए। इस सॉलिट्यूड में उन्होंने सारी चीजों को क्लियरली सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने समझा कि अगर ये अटैक डिले होगा तो सरप्राइज का एडवांटेज चला जाएगा और वर्ल्ड वॉर और ज्यादा लंबी चलेगी। June 4, 1944 को आइजनहावर ने अपना फाइनल डिसीजन सुनाया कि वो 6 जून 1944 को अटैक करेंगे। ये डिसीजन रिस्की था लेकिन उनकी जजमेंट सही साबित हुई। मौसम थोड़ा ठीक हो गया और जून 6 को 1.5 लाख एलाइड ट्रूप्स नॉर्मेंडी के बीचेस पर लैंड कर गए। इसे डी-डे कहा गया। इस ऑपरेशन की वजह से नाजी जर्मनी का कब्जा यूरोप पे धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ। इन शॉर्ट इस स्टोरी की लर्निंग ये है कि हमें क्लैरिटी तब आती है जब हम इनसाइड ब्रेन मोड को एक्टिवेट करते हैं, यानी ब्रेन की एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करके अच्छे कंक्लूजन में आते हैं। और ये सिर्फ तभी होगा जब हम एक्सटर्नल इनपुट्स को जीरो करेंगे। अरब्स ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया था जो मिडल ईस्ट पर अपना राज जमाए बैठे थे। टी.ई. लॉरेंस जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था उसे अरब फोर्सेस की मदद के लिए भेजा गया। लॉरेंस अरब कल्चर को अच्छे से समझता था इसलिए वो उनके लोकल लीडर्स जैसे कि प्रिंस फैजल के साथ जल्दी दोस्त बन गया। लेकिन ये रिवोल्ट बहुत मुश्किल था। अरब आर्मी का ऑटोमन एम्पायर से डायरेक्टली लड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा थी। लॉरेंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो अरब्स को जीत कैसे दिलवाएगा। 1917 में लॉरेंस ने एक अनएक्सपेक्टेड चीज करी। जब सब लोग लड़ाई की प्लानिंग कर रहे थे और उसे मदद की गुहार लगा रहे थे, वो कुछ टाइम के लिए सबसे दूर चला गया और अरेबियन डेजर्ट में अकेले बैठ गया। इस अकेलेपन ने उसे डीपली सोचने का टाइम दिया। वो बैटलफील्ड के शोर शराबे से दूर अपने दिमाग को क्लियर कर रहा था। डेजर्ट के शांत और खाली माहौल ने उसे फोकस करने का मौका दिया और उसने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। लॉरेंस को समझ आ गया था कि अगर अरब्स ने ऑटोमन आर्मी के साथ सीधा मुकाबला किया तो अरब्स ही हारेंगे क्योंकि ऑटोमन फोर्सेस के पास बेटर वेपन्स, सोल्जर और रिसोर्सेज थे। तभी उसने डिसाइड किया कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर काम नहीं करेगी और यही सॉलिट्यूड के वक्त उसके दिमाग में एक नई स्ट्रैटेजी आई जिसे उसने नाम दिया गोरिल्ला वॉरफेयर। लॉरेंस ने सोचा कि अरब फोर्सेस को कोई न्यू टेरिटरी होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, इसके बजाय वो छुप छुप कर छोटी रेड्स करेंगे, ऑटोमन आर्मी के सप्लाई लाइन्स और कम्युनिकेशन को टारगेट करेंगे और फिर जल्दी से रेगिस्तान में खो जाएंगे। इस तरह से ऑटोमन का कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाएगा। लॉरेंस ने रेगिस्तान को अपना हथियार बना लिया। वो जानता था कि ऑटोमन फोर्सेस को रेगिस्तान के हार्श कंडीशन की आदत नहीं है जबकि अरब फोर्सेस उस एनवायरनमेंट में एक्सपर्ट थी। डेजर्ट उनका दोस्त बन गया और लॉरेंस ने ये स्ट्रैटेजी लगातार यूज करी। लॉरेंस की गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी ने कमाल कर दिया। अरब फोर्सेस ने कई सक्सेसफुल रेड्स करी जिसने ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल को धीरे धीरे खत्म कर दिया। सबसे बड़ी जीत उन्हें तब मिली जब उन्होंने अकाबा नाम की एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी को बिना किसी डायरेक्ट लड़ाई के जीत लिया। ये जीत इतनी बड़ी थी कि लॉरेंस का नाम हिस्ट्री में अमर हो गया। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान नई स्ट्रैटेजी ने अरब रिवोल्ट को जीत की तरफ बढ़ाया। इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि जब हमें नए आइडियाज की जरूरत है तो हमें बाहर के इनपुट्स को बंद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब लॉरेंस ने बैटलफील्ड के शोर को छोड़ दिया और डेजर्ट के अकेलेपन में टाइम स्पेंड किया तभी उसने सिचुएशन को क्लियरली समझना शुरू किया और यही अकेलापन उसे नई स्ट्रैटेजी तक ले आया। इमेजिन करो तुम एक ऐसी जगह काम करते हो जहां अगर आप स्पीड से काम करते हो तो आपकी तारीफ होगी। जोए रेमन भी इसी रेस का हिस्सा थे। जोए एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री में बहुत ही सक्सेसफुल थे जिनका करियर टॉप पर चल रहा था। लेकिन एक दिन जिंदगी ने उसके सामने एक ऐसा चैलेंज दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1989 में जोए रेमन एक सीरियस कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि वो मौत के करीब पहुंच गए। वो एक्सीडेंट से बच तो गए लेकिन महीनों तक बेड में रहे। जब वो बेड में पड़े थे तो उनकी लाइफ अचानक फास्ट पेस्ट से स्लो हो गई और इनके पास बहुत टाइम आ गया, अकेला टाइम, जिसमें उसने अपनी लाइफ के बारे में डीपली सोचना शुरू किया। इस अकेलेपन के फेज में जोई को समझने का मौका मिला कि लाइफ सिर्फ प्रॉफिट और बिजनेस के बारे में नहीं है बल्कि कुछ और ज्यादा मीनिंगफुल है और वो है पर्पस। उसे ये समझ आया कि पहले जो वो काम कर रहे थे वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए था लेकिन अब वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सोसाइटी के लिए भी वैल्यूएबल हो। इस अकेले टाइम में जोई ने अपनी लाइफ और करियर के बारे में डिटेल में सोचा। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग फर्म को एक नई डायरेक्शन में ले जाएंगे जहां प्रॉफिट से ज्यादा उनका फोकस पर्पस ड्रिवन ब्रांडिंग पर हो। जोई ने ठीक होते ही ब्राइट हाउस नाम की कंपनी शुरू की जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ वो उन ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते थे जिससे लोगों को एक्चुअल में फायदा होता था। ब्राइट हाउस का स्लो पेस्ड अप्रोच था जिसमें एम्प्लॉयज को टाइम दिया जाता था आइडियाज को नेचुरली डेवलप होने के लिए। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे बड़े ब्रांड्स ने भी ब्राइट हाउस के साथ काम किया ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को एक डीपर पर्पस के साथ अलाइन कर सके। इस अप्रोच ने सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि रियल इम्पैक्ट क्रिएट किया
जोई कहते हैं कि उनका असली क्रिएटिव ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने दुनिया का शोर छोड़ दिया और अकेले में अपनी लाइफ के बारे में सोचा। जोई के कहानी से लर्निंग ये है कि स्लोअर पेस्ड लाइफ क्रिएटिविटी को इंक्रीज करती है और ये चीज रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है। अब हमने ये तो देख लिया कि अकेले रहकर हम क्लियर तरीके से सोच सकते हैं, नए आइडिया सोच सकते हैं और क्रिएटिव भी बन सकते हैं, पर मेन सवाल ये आता है कि हम एक्चुअल में इसे अचीव कैसे करें। देखो, इसके लिए हमें वापस सॉलिट्यूड की इक्वेशन में आना पड़ेगा। सॉलिट्यूड इज इक्वल टू ब्रेन माइनस इनपुट्स। तो यानी सबसे पहले हमें इनपुट्स को कम करना पड़ेगा। अब आइजेनहावर, ऑटोमैन और जोई के पास उस वक्त इंस्टाग्राम और नोटिफिकेशन तो थी नहीं, इसलिए उनके चैलेंजेस कुछ और थे। हमारे केस में सबसे बड़ा इनपुट तो फोन है, तो इन इनपुट्स को कम करने के लिए 1, हमें सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ करना होगा और 2, ग्रेस्केल मोड को ऑन करना होगा। देखो, नोटिफिकेशन और कलरफुल स्क्रीन हमें हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर कोई नोटिफिकेशन आती है और हम उसे इग्नोर भी कर दें, उसके बावजूद हमने अपनी कुछ अटेंशन एनर्जी उसमें वेस्ट कर दी है, जिसकी वजह से हम कभी भी इनपुट माइंड को अनलॉक नहीं कर पाएंगे और फिर ना ही हमें मिलेगी क्लैरिटी, ना मिलेगी क्रिएटिविटी और ना ही आएंगे नए ग्रेट आइडियाज। सेम होता है कलरफुल स्क्रीन देखने से। इसके बाद आता है इक्वेशन में ब्रेन, स्पेशली इनपुट ब्रेन। इसके लिए हमारे पास 8 हथियार हैं। इनमें सबसे पहला हथियार है 1, स्केड्यूल बोर्डम ब्रेक्स। यानी हमें कॉन्शियसली हर रोज आधा या एक घंटा स्पेंड करना पड़ेगा बोर होने के लिए, जहां पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ताकि हमारा माइंड रीसेट कर सके। सेकेंड है प्रैक्टिस माइंडफुल वेटिंग। यानी जब भी हम किसी के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे वो कॉफी शॉप हो, ग्रॉसरी स्टोर हो या फिर इवन अपॉइंटमेंट ही क्यों ना हो, उस टाइम हमें अपना फोन यूज नहीं करना है, बल्कि अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है और हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑलरेडी डेटा है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। थर्ड इज गो फॉर वॉक्स विदाउट योर फोन। यानी हम निकला टेस्ला की तरह बिना फोन के लंबी वॉक्स पर अकेले निकल सकते हैं। फोर्थ है डेलिबरेटली डू बोरिंग टास्क। यानी 20-25 मिनट के लिए हम सिंपल रेपिटेटिव बोरिंग टास्क कर सकते हैं, जैसे कि अपने कपड़ों को फोल्ड करना, बर्तनों को धोना, अपना कमरा साफ करना एक्सेट्रा। बोरिंग टास्क करने से हमारा ब्रेन डिफॉल्ट मोड में आ जाता है, जिससे क्रिएटिविटी अनलॉक होना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आता है मेडिटेट ऑन बोर्डम। हर रोज सिर्फ 10 या 15 मिनट मेडिटेशन करने से हम अपने इनपुट मोड को अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ अपने थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट आता है डे ड्रीम विद पर्पस। अब कई लोगों को डे ड्रीमिंग बहुत पसंद है, जिसमें वो बैठ के ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, तो हमें भी ऑलमोस्ट यही करना है। बट याद रहे कि डे ड्रीमिंग और ये जो इनपुट मोड है, हमें तब एक्टिवेट करना है अगर हमारी पूरी लाइफ सिर्फ आउटपुट मोड में चल रही है, क्योंकि हमारा ब्रेन दोनों मोड्स में ऑपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिजिटल डिटॉक्स। यानी पूरा का पूरा दिन हम कोई फोन, कोई इंटरनेट, कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी। नेक्स्ट आता है डू जर्नलिंग। यानी फोन छोड़कर जो भी चीजें हमारे दिमाग में आ रही है उसको हम लिख सकते हैं और फिर उन्हीं चीजों में हमें कुछ पैटर्न्स दिखेंगे और इस सेल्फ रिफ्लेक्शन की वजह से हम इनपुट मोड को एक्टिवेट कर पाएंगे। देखो, अब हमने बोर होने के लिए ये सारी चीजें देख तो ली, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी ना करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और ये रिसर्च पेपर भी यही बताता है कि अगर लोगों को कमरे में बंद कर दिया जाए और उनके पास कुछ भी ना हो करने के लिए और साथ में एक बटन हो जिसको दबाने से उनको छोटे करंट के झटके लगेंगे, तो वो बेकार बैठने के बजाय उस बटन को दबाना भी प्रेफर करेंगे। एनीवेज, एक और तरीका है अपने इनपुट मोड को एक्टिवेट करने का, और वो है ऑफ स्क्रीन टाइम एंड लिसनिंग टू बुक्स, जिसके लिए अगर आप चाहें तो गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। तो इस ऐप को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर है जिसे बोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आई होप इसमें जितनी भी स्टोरीज बताई हैं, उसे वो मोटिवेट होके कोई ना कोई बोर होने वाला हथियार जरूर यूज करेंगे। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।